ऐसा नहीं है, मैं अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम के दौरा में हूं और हमारा सरकार का एक साल पूरा होने पर मिजोरम में वहां के सिविल सोसाइटी और वहां के प्रेस मीडिया से मैंने वार्तालाप किया। उस समय उत्तेजित होकर के वहां के सिविल सोसाइटी और मीडिया वालों ने पूछा कि हमारे किसी मंत्री ने कहा कि गौ मांस खाने वाला पाकिस्तान जाना चाहिए, तो क्या सारा मिजोरम के लोग पाकिस्तान चले जाए क्या है? ऐसा जो पूछा तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान में संविधान है और संविधान के मुताबिक सब आदमी को अपना अपना एक काम करने का दायरा है और उसके मुताबिक उसको अपना अधिकार भी होता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं गौ मांस खाता हूँ, इस तरह का मैंने बयानबाजी किया ही नहीं है। मेरे परिवार में मेरे पत्नी, मेरे बच्चे कोई भी गौ मांस नहीं खाता है, ये हमारा चॉइस है, कोई ठोपा गया नहीं है और किसी के ऊपर मुझे अपना विचार को ठोपने का भी मैंने कभी बात किया ही नहीं है। और दूसरी बात मैंने ये कहा कि जिस राज्य में, जिस मुल्क में जो मेजोरिटी होता है उसका सेंटिमेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि उनका जो जो विचार है या उनका भावना है उसको कदर करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। और अगर मिजोरम में तो क्रिश्चियन मेजोरिटी है तो वहाँ वो अपना हिसाब से उनका खाना पीना होता है, तो मैंने ये कहा कि दिल्ली में या महाराष्ट्र में या गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहाँ हिंदू बहुल है वहाँ में वहाँ के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जहाँ अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं वो अपने अपने जगह में अपने हिसाब से रहते हैं। मैंने ये बातें लोगों को बताया लेकिन उसका गलत तरीके से किसी न्यूज़पेपर में निकला, इसलिए मैं बहुत दुखी हुआ कि गलत तरीके से बात को पेश किया गया और ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है।